नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? दोस्तों देखिए, हमने निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में बात किया। हमने ये बात किया कि भाई निफ्टी फिफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी फिफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हैं और सेंसेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। ठीक है, कौन कौन से शेयर्स मिला करके निफ्टी फिफ्टी का बनता है, कौन सा और कौन से शेयर्स मिलते हैं तो सेंसेक्स बनता है। ठीक है, और हमने ये भी बात किया कि आप कैसे, मतलब चीज़ों को, क्यों आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्यों आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्लान क्या है, कैसे आपके स्मॉल अमाउंट को बड़ा बनाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये देखा था कि भाई अगर आप महीने में 1% 2% बना रहे हैं या महीने में 3% बना रहे हैं तो आपके छोटे छोटे अमाउंट 5 साल में कितने बड़े बन जाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग अभी और डिफाइन करते हैं। हम लोग देखते हैं कि रिलायंस के बारे में बात करेंगे, सबसे बड़ी कंपनी। आप समझ लीजिए सिर्फ रिलायंस में इन्वेस्ट करते हैं और कहीं नहीं इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, रिलायंस में आप सीधे रिलायंस में इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए आपका भाग्य कैसे रहता है। ठीक है, किस तरीके से आप देखते हैं। सबसे तो पहले आप पढ़ते हैं कि भाई रिलायंस क्या है। रिलायंस क्या है? इट इज़ एंगेज इन एक्टिविटीज स्पैनिंग अक्रॉस हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोजन। हर काम करता है बंदा। ठीक है, मुकेश अंबानी की कंपनी है, मुकेश अंबानी नाम है, हर काम करता है बंदा। आप चाहे सुबह की भाई पेट्रोल भरवा रहे हैं वहाँ से लेकर के जियो पे बात कर रहे हैं वहाँ तक, पेट्रोलियम रिफाइनिंग का काम है, मार्केटिंग का काम है। आप रिलायंस में, रिलायंस ज्वेल्स है, रिलायंस का फुटवियर है, रिलायंस का बिग बाज़ार भी खरीद लिया है। आप साबुन तेल जो भी ले रहे हैं बिग बाज़ार से, रिटेल में है, डिजिटल सर्विसेज में है, मनी कंट्रोल भी रिलायंस का है, सब कुछ रिलायंस, बहुत सारी चीज़ों में है ये बंदा मुकेश अंबानी। ठीक है, तो हम रिलायंस जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है उसके बारे में बात करते हैं, उससे ही हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या टर्म्स होते हैं। मार्केट कैप, मार्केट कैप मतलब कितनी बड़ी कंपनी है। ठीक है, आप आज के डेट में रिलायंस को खरीदने जाएंगे तो कितने आपको देने पड़ेंगे? लगभग 13 लाख करोड़। ठीक है फ्रेंड्स, 13 लाख करोड़ रुपए आपको देने पड़ जाएंगे तब आप जाकर के रिलायंस को खरीद पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उसका एक शेयर की क्या वैल्यू है। एक शेयर की वैल्यू है आपका 2083 रुपये। ये है 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो, यानी कि एक साल में ये शेयर कितना कितना नीचे, समझ लीजिए ये शेयर है। ठीक है, शेयर का प्राइस है, ठीक, तो ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ठीक है, तो समझ लीजिए ये साल भर का इसका ग्राफ है, ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, लेट अस से ऐसा कुछ बन गया। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है? ठीक है, तो हम देखेंगे ये भाई, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, और इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है? ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। तो हम वही बोल रहे हैं कि एक साल में ये कितना हाई कहाँ पे गया, 2198 पे ये हाई गया, और लो कहाँ पे गया, 2198 पे हाई गया, लो कहाँ पे गया, 867 पे लो गया। यानी कि मैं फिर से बता दे रहा हूँ इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिलायंस पिछले एक साल में, ठीक है, तो समझ लीजिए रिलायंस का कुछ ग्राफ ऐसे था, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे और ये ऊपर। ठीक है, तो समझ लीजिए एक साल पहले सितंबर में वो यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो करीब यहाँ पे वो लोएस्ट बनाया, यानी कि एक साल में कहीं बीच में वो 867 पे लोएस्ट गया था, और हाईएस्ट कहाँ पे बनाया, तो कहीं पर वो हाईएस्ट बनाया था पिछले एक साल में जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो ये 2168 है, ये 867 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम अभी आपको चार्ट पैटर्न, चार्ट बेसिक में बताएंगे, और उस चार्ट में हम बताएंगे कि कैसे हम लोग चार्ट को पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चार्ट को पढ़ना आपको हमेशा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो भी टर्म्स है देखिए, जैसे कि बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू इसका 715 चल रहा है। क्या होता है बुक वैल्यू, उसके उसके लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। स्टॉक पी क्या होता है आप उसको, उसके लिए भी देखते रहिए। डिविडेंड यील्ड भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो पहली बात तो हम ये है कि देखिए यहाँ पे जो भी इन्वेस्टिंग होती है, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो अंधा प्लेयर नहीं होता फ्रेंड, कि कहीं पर भी भाई अंधा मार दिया। ठीक है, भजेरू प्लेयर जैसे होते हैं क्रिकेट मैच में, उस टाइप का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सोच समझ के हम लोग जो बैटिंग करते हैं, कई लोग कहते हैं भाई स्टॉक मार्केट एक बैटिंग की तरह है, ये जुआ की तरह है, तो यहाँ पे जुआ नहीं है। यहाँ पे हम लोग जो भी कर रहे हैं या जैसे भी हम आपको इन्वेस्टिंग के तरीके बता रहे हैं, जैसे ही बता रहे हैं, ठीक है, उसको बहुत ही सोच समझ के बता रहे हैं, हर चीज़ हर डाटा देख करके। जो ये डाटा है फ्रेंड्स, ये जो डाटा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हर सेकंड सेकंड बदलता है। इसके करंट प्राइस, बुक वैल्यू, तो हर हर सेकंड्स का डाटा इसका देखना पड़ता है, इसका पास्ट डाटा देखना पड़ता है। प्रमोटर होल्डिंग आप देखिए, 50% की प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग मतलब कि अंबानी जी इनके प्रमोटर होंगे, मुकेश अंबानी जी, और मुकेश अंबानी जी के पास रिलायंस का लगभग 50% हिस्सेदारी उनकी है। ठीक है, तो लगभग 13 लाख करोड़ अगर रिलायंस की वैल्यू है तो मुकेश अंबानी की वैल्यू कितनी होगी? लगभग 6.5 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से परसेंटेज प्रमोटर होल्डिंग में, बाकी 50% का है, बाकी 50% डिफरेंट शेयर होल्डर के पास है। ठीक है फ्रेंड, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो
हर चीज़ इसमें दी हुई है, हर चीज़ का क्या वो होता है, डेट टू इक्विटी इक्विटी रेशियो क्या है, तो हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो उसी चीज़ को उसी को मैं बताता हूँ, उसी को मैं आपको समझाता हूँ, और आप बस मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और भी अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं इसके चार्ट्स को ले जाता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना चार्ट्स, तो मैं इसको चार्ट्स एनालिसिस भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, ये 1 साल का चार्ट है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 1 साल के चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है कि भैया ये लगभग 9 सितंबर 9 सितंबर 2019 दो 9 सितंबर 2019 को इसका जो दाम था वो था 1210 रुपये, ठीक है। तो पहले चार्ट देखने से पहले मैं आपको कुछ बता दूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 1 साल दिया रखा है कि 1 साल का 6 महीने का चार्ट है, ये 3 महीने का चार्ट है, ये 1 महीने का चार्ट है। जैसे ये 6 महीने का चार्ट हो गया, हाँ बदल जा, हाँ यस, ये 3 महीने का चार्ट हो गया, ठीक है, ये 1 महीने का चार्ट हो गया, ठीक है। तो 1 महीने की प्राइस उसमें मूवमेंट, 3 महीने की प्राइस मूवमेंट, 6 महीने की प्राइस मूवमेंट, 1 साल की प्राइस मूवमेंट, ये 3 साल की प्राइस मूवमेंट है, ये आपको 5 साल की प्राइस मूवमेंट बता रही है। देखिए 2015 से स्टार्ट हो रहा है 2020 तक, ये 5 साल की प्राइस मूवमेंट, ये आपको 15 साल की प्राइस मूवमेंट 2005 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिए 2005 से स्टार्ट हो रहा है, और ये 2020 तक 15 साल की प्राइस मूवमेंट बता रही है, ठीक है। तो उसे हर एक डाटा पॉइंट है, हर एक डाटा पॉइंट का एक वैल्यू होता है। तो यहाँ पे 1 साल का है, ठीक है, हम 1 साल की प्राइस मूवमेंट में इंटरेस्टेड है। यहाँ पे है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितने कितने शेयर खरीदे और बेचे गए। समझ लीजिए, अगर 1 लाख है, 1 लाख वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का मतलब है 1 लाख शेयर खरीदे और बेचे गए। यहाँ पे है दाम, ठीक है, उस दिन उस शेयर का क्या दाम है। यहाँ पे देखिए 1000 है, 1200, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे है तो इसका क्या मतलब है कि लगभग इस दिन ये 1200 रुपये पे था, ठीक है। तो उसी तरीके से होता है। तो हम लोग आपको बताते हैं इसमें कि हम लोग आखिर चार्ट कैसे पढ़ते हैं, और चार्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, आपको चार्ट क्यों देखनी आनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पिछले 1 साल के प्राइस मूवमेंट को देखते हैं, और उससे हम लोग कुछ एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए प्राइस के मूवमेंट को देखिए कि भैया 9 सितंबर को, 9 सितंबर को ये कितने पे था, 9 सितंबर को ये लगभग 1210 पे था, ठीक है, था, ठीक है। बैटरी सेवर मोड में आ गया, इसको हम इधर कर लेते हैं, हाँ ओके। 9 सितंबर को ये लगभग 1200 1200, फ्रेंड मैं थोड़ा बैटरी लगा देता हूँ, आप बस वेट कीजिए, बस सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा लेट हो गया। हाँ तो वापस आते हैं हम लोग अपने, एक मिनट फ्रेंड, एक मिनट बस। हेलो, तो वापस आते हैं हम लोग, ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 9 सितंबर को रिलायंस 1210 पे था, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 सितंबर को 1210 पे था, फिर यहाँ से बढ़ता गया बढ़ता गया, बढ़ा घटा, लेकिन यहाँ पे बढ़ बढ़ के कितने पे पहुँच गया, यहाँ पे ये पहुँच गया 1500, लगभग 1600 रुपये, 1600 पे पहुँच गया 19 दिसंबर को। फिर से इसने पलटी खाई, नीचे गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया, और इतना गिरा कि लगभग 875 पे आ गया 23 मार्च 2020 को। 23 मार्च 2020 जब कोरोना का लॉकडाउन प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन स्टार्ट किया था, तो ये कितने पे आ गया, 875 रुपये पे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसने छलांग मारी, और फिर ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और फिर ये पीछे मुड़ के नहीं देखा, और बढ़ के कहाँ पे पहुँच गया, बढ़ के ये पहुँच गया 2077 रुपये पे, ठीक है। तो ये एनालिसिस है, ये एनालिसिस जो मैं बता रहा हूँ, ये एनालिसिस है 1 साल की। अगर इसको 6 महीने में देखा जाए, ठीक है, ये एनालिसिस को अगर आप 6 महीने में देखेंगे, तो 6 महीने में आपको कितना दिखेगा, आपको दिखेगा कि भाई देखिए ये 1 साल का था, ठीक है, तो 6 महीना कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 महीना आपका ऑलमोस्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, लगभग यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ से ये ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। तो 3 अभी अभी सितंबर चल रहा है, तो लगभग मार्च मार्च अप्रैल से जो भी स्टार्ट होगा, और 3 महीना लगभग इसका आधा यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ से भी ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो 6 महीने 3 महीने में हमें दिख रहा है कि भाई रिलायंस में ग्रोथ है। तो देख लेते हैं कि क्या 6 महीने और 3 महीने में ग्रोथ है, तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई 6 महीने में ग्रोथ तो है। कहाँ से स्टार्ट है, 11 मार्च, 11 मार्च को 1142 रुपये पे रिलायंस था, जो कि नीचे गिरते 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 23 मार्च को 875 पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे जो मूवमेंट है वो हमेशा एक फॉरवर्ड मूवमेंट दिखा है, अपवर्ड मूवमेंट दिखा है, और ये अपवर्ड मूवमेंट कहाँ तक गया है, ये आपका मैक्सिमम यहाँ तक गया है, 2177 रुपये तक गया है। उसके बाद ये नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, और लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरा है, आपका 2077 पे ही पे अभी तक है, ठीक है। तो ये आज का 4 सितंबर, 4 सितंबर का जो वो है आंकड़ा है, वो 2177 रुपये पे दिखा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही आपको अगर 3 महीने का देखना है, पिछले 3 महीने,
3 महीने में आप देखिए 1500 से 2000, तो 1500 से 2000 का क्या मतलब है कि लगभग लगभग आप देखेंगे तो 30%, 30% की 3 महीने में ही 30% दे दिया है। 3 महीने में 30% फ्रेंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 3 महीने में 30% लगभग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको फिक्स डिपॉजिट जो मिलता है फ्रेंड्स वो 6% मिलता है सालाना, और ये 3 महीने में 30% दे दिया है फ्रेंड। तो आप बताइए क्या क्या पावर है, क्या पावर है स्टॉक मार्केट का, आपको ये समझ में आना है। बस आपको राइट अप्रोच, राइट एनालिसिस, अगर आपके एनालिसिस सही है, आपका अप्रोच राइट है, तो आप बहुत पावरफुल टूल है, ठीक है फ्रेंड्स। एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये 1 महीने का मूवमेंट है, ठीक है, तो आप कितना 10% इसमें बना सकते थे वो मैं दिखाता हूँ। 10%, 2%, 3%, जो भी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये 2119 रुपये चल रहा है, ठीक है, समझ लीजिए आप यहाँ पे लेते हैं 2000, 2091 पे लेते हैं, और 2131 पे बेचते हैं, 2131 पे बेचते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ 1 से 2 दिन में आपको 2% का मुनाफा हो जाता है। फिर से आप यहाँ पे आते हैं और सिर्फ 1 दिन में ही आपको 2% का वापस मुनाफा हो जाता है। फिर से आप यहाँ पे आते हैं और सिर्फ 2 दिन में आपको 2 से 3% का मुनाफा हो जाता है। तो कुछ ही समय में आपने 2% और 2 से 3% निकाल करके आपने लगभग 7 से 8% जनरेट कर लिया है 1 महीने के अंदर, ठीक है फ्रेंड। देखिए इसमें क्या होता है ना कि हम लोग को ये भी आना चाहिए कि किस पॉइंट पे हमें एंटर करना है और किस पॉइंट पे हमें निकलना भी है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं, आप किसी को भी ख्वाब नहीं आता है कि मतलब क्या बोलते हैं, सपना नहीं आता है कि भाई भैया हमें यहाँ पे निकलना है या भैया हमें यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। ये अपने थॉट्स होते हैं, ठीक है, कि आप समझ लीजिए यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, तो भाई कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे निकल जाइए, ठीक है। आप मार्केट के साथ खेल भी सकते हैं, ठीक है। तो आप, आपको जैसा आपका आस्था है, जैसा आपकी मर्जी है, उस हिसाब से आप एंटर कीजिए, उस हिसाब से निकलिए। तो बहुत सारे फ्रेंड्स, आगे मैं बताऊंगा कि बहुत सारे आपके टेक्निकल टूल्स भी होते हैं जिसको आपको देख करके समझना होता है कि कैसे मूवमेंट हो रहा है, क्या कब आगे बढ़ रहा है, जिसके बारे में बाद में वीडियो बनाऊंगा। और बाद में मैं आपको वीडियो बना के ये समझाऊंगा कि कैसे आपको देखना चाहिए कि किस पॉइंट पर एंटर करना है और किस पॉइंट पर निकलना है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने 1 साल के मूवमेंट का हमने एक एनालिसिस कर लिया था, अब मैं आपको 3 साल, 5 साल और मैक्सिमम मूवमेंट का एनालिसिस आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पिछले 3 साल का हम परफॉर्मेंस देखते हैं। तो 3 साल पहले देखिए आप, रिलायंस कहाँ पे था, रिलायंस था लगभग 3 साल पहले 809 रुपये पे था, ठीक है फ्रेंड। मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, 8 सितंबर 2017 को रिलायंस 809 रुपये पे था, ठीक है। फिर वो धीमे धीमे बढ़ते हुए कहाँ पे पहुँचा, धीमे बड़ा बड़ा बड़ा, ये 31 अगस्त 2018 को 1272 रुपये पे पहुंच गया, 1272 रुपये पे पहुंच गया। ये यहाँ से बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, फिर 1272 रुपये पे पहुंचा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें एक देखिए एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिख रही है, डाउनवर्ड मूवमेंट। फिर ये जो 1272 रुपये है, फिर वो कब इसको पार किया, लगभग 9 फरवरी 2019 को पार किया, ठीक है। 31 अगस्त 2018 को 1272 रुपये था, फिर उसके बाद 9 फरवरी। तो फ्रेंड अगर इस पॉइंट पे अगर आप एंटर किए थे, समझ लीजिए लेट अस से कि आप इस पॉइंट पे कुछ खरीदते, तो आपको लगभग 10 महीना वेट करना था इस पॉइंट को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग को स्टॉक मार्केट सिर्फ हमें ये नहीं सिखाता है कि हमें जल्दी एंटर करना है जल्दी, हमें पेशेंस भी सिखाता है, ठीक है। तो हम पेशेंस से अगर हम देख देख रहे होते, तो अगर आप समझ लीजिए 1272 पे लिए थे, 1272 पे लिए थे, तो अब और समझ लीजिए आपका मन है कि भाई 1272 पे लिए हम 1400 पे बेचेंगे, तो आपको कहाँ तक वेट करना पड़ता, आपको लगभग इस पॉइंट तक वेट, 3 मई 2019, 1 साल का वेट करना पड़ता 128 रुपये बनाने के लिए, 1400 पे बेचने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं पे 1200, समझ लीजिए आप लेट से यहाँ पे लिए थे 1272 पे, और आपको लग आप मन में बनाए हुए थे कि मुझे 1500 पे बेचना है, तो 1500 के लिए देखिए फ्रेंड्स कहाँ पे कब पहुँचता है 1500, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये 22 नवंबर 2000, लगभग 1.5 साल बाद ये 1500 पे पहुंचता है फ्रेंड, ठीक है। तो समझ लीजिए लेटर से कि कोई 1500 पे आता है, 1500 पे समझ लीजिए 22 नवंबर 2019 को लेता है, तो उसको लग और वो सोच रहा था कि भाई मैं तो 1800 पे निकलूंगा, ठीक है। कोई 1200 पे आया तो उसको 1.5 साल लग गए 1500 पे पहुंचने में, कोई 1500 पे आया तो उसे लग रहा है कि भाई मैं 1800 पे निकलूंगा, ठीक है। तो वो क्या सोच रहा है भाई, वो सोच रहा है कि मैं 1800 पे निकलूंगा, तो क्या वो भी 1.5 साल वेट करे, नहीं फ्रेंड्स ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि मार्केट बहुत, जो ग्राफ है, जो प्राइस का मूवमेंट है, वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल चलता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये 1500 पहुंचा,
फिर ये गोता खा गया, गोता खा के बहुत नीचे चला गया, तो उसे उसे यहाँ पे लगेगा कि भाई मैंने क्या कर दिया, मैं तो 1500 पे लिया था, अब तो रिलायंस इतना इतना डूब गया है कि 800 रुपये पे आ गया है, ठीक है। तो वो सोचेगा, वो पैनिक हो जाएगा, वो सोचेगा कि भाई 3 महीने के अंदर इसने क्या हो गया, ठीक है। मैं तो भाई दिसंबर में लिया था 1500 पे, मेरे दोस्त ने बताया था कि 1500 पे रिलायंस ले लो, रिलायंस बहुत अच्छा शेयर है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मैं तो कहीं का नहीं रहा, ठीक है। अब मैं उसको दोस्त को अपने दोस्त को 10 गाली देता है कि भाई क्या कर, ये क्या, ये तूने क्या बता दिया, मैंने किस कहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, स्टॉक मार्केट बहुत बुरी चीज़ है, बहुत 50 लोग को वो गा देगा कि बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बेकार है, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, मुझे घाटा हो गया। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, पेशेंस का खेल यही होता है। जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो जितनी भी नीचे चली जाए, ठीक है, जितनी नीचे जाती हैं उतनी ही तेज़ी से आती हैं। क्यों क्यों तेज़ी से आती हैं, देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों क्यों फ्रेंड्स, ये वॉल्यूम क्यों बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिराक में थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए रहते हैं कि भैया रिलायंस को 1000 से नीचे गिरने दो, 1000 से नीचे गिरने दो, 1000 के नीचे जैसे ही वो 800 पे आया, ठीक है, लोग भर भर के माल खरीद लिए फ्रेंड्स। लोग अपना जमीन वमीन बेच करके 8-8 10-10 लाख की जमीन बेच के पूरे रिलायंस में भर दिए, ठीक है। अभी पता लगा कि भैया कोई भैया 8 लाख है, कोई किसी का 24 लाख है, सब रिलायंस में लगा दिए। तो इस पॉइंट पे बहुत सारे लोग रिलायंस में लगाए। अब रिलायंस देखिए कितना तगड़ा उछाल मारता है, अब उछाल मार करके ये कहाँ पहुँच गया है, 2100 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये 2100 रुपये यहाँ से मूवमेंट देखिए, मूवमेंट ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा स्टेबल आया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई क्या बंदा था, ठीक है। तो अब भाई वो जब 8 लाख की ज़मीन खरीदा था, तो उसका वो 8 लाख की ज़मीन सिर्फ 6 महीने में उसने पता लगा कि भैया उसके अगल बगल वाले दोनों 8-8 लाख के 2 प्लॉट और खरीद लिए, ठीक है। ये पावर होता है स्टॉक मार्केट का, ये पावर होता है एनालिसिस का, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग एक गेम है, ठीक है। तो इस गेम को हम लोग सीखते हैं, इस गेम को हम लोग धीमे धीमे प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि अगर आप भाई आप नौसिखिए हैं या 2 दिन या 3 दिन आपको हुआ है तो आप तुरंत ही इस गेमिंग में लग जाइए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लोग एनालिसिस और ये सब सीखने में लगे लगभग 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 साल 10-10 साल बिताते हैं, ठीक है। आप जब 10 साल बिता लेते हैं तब आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है फ्रेंड्स, तब आपको पता लग जाता है हर एक, इतनी बार जैसे होता है ना कि हम लोग जब इंटरनेशनल मैच खेलते हैं तो बहुत सारे प्रैक्टिस मैच, ये मैच गली क्रिकेट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब हम जा करके पता लगा पाते हैं कौन सा बॉलर कैसा कैसा है, कौन सी गेंद कैसे फेंकेगा, ये फेंकेगा, तब आपको एक कंपनी को एक अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, उसमें पता लगा पाते हैं कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। तो गेम बहुत लंबा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम लोग को भी उसी हिसाब से चलना है, उसी हिसाब से सोचना है। तो 3 साल का था ये, जल्दी से मैं आपको 5 साल का भी दिखा देता हूँ। तो 5 साल पहले देखिए फ्रेंड्स, आंखें चौंधी आ जा रही हैं, आंखें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो गया, बम विस्फोट हो गया है। ये देखिए यहाँ पे 429 रुपये, 2015 में 429 रुपये, आज 2000 रुपये, लगभग 5 गुना, 5 साल में 5 गुना बढ़ गया। क्या क्या बोलते हैं फ्रेंड, क्या बोल रहे हैं, मतलब अगर आप समझ लीजिए 4 लाख लगाए होते हैं, 4 लाख लगाए होते 5 साल पहले, तो ये आज लगभग 22 लाख की वैल्यू होता, ठीक है। तो ये होता है पावर, ये देखिए। और मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि इसका प्राइस धीमे 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 बढ़ता है, धीमे धीमे धीमे, यहाँ से यहाँ एक तगड़ा मूवमेंट देखने को मिला, फिर घटा, फिर घटा, लेकिन ये जो मूवमेंट है फ्रेंड्स, ये जो मूवमेंट है ये सबसे सबसे खतरनाक मूवमेंट है, ठीक है। इसी मूवमेंट को मैं कहता हूँ रॉकेट, ठीक है। तो और भी देख लेते हैं, मैक्सिमम देख लेते हैं फ्रेंड। ये लगभग 15 साल पहले 140 रुपये का था और आज लगभग 2000 रुपये। इस रॉकेट को आप देखिए, ये जो रॉकेट है ना, इसको आप देखिए, ये क्या है, ये पूरा मिसाइल है फ्रेंड, मिसाइल, ठीक है। लेकिन ये एक वेटिंग पीरियड भी मैं आपको बताता हूँ कि एक वेटिंग पीरियड है, ये वेटिंग पीरियड आप देखिए, लगभग जो ये 600 रुपये का है, लगभग आपको 10 साल, 6 साल तक आपको झेलाया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो वही मैं कहता हूँ कि मार्केट एक अलग टाइप की गेम है, अलग टाइप की चीज़ है, यहाँ पे आपको आना पड़ता है, देखना पड़ता है, जानना पड़ता है, तब आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। और अगर आपको चार्ट पढ़ना आ गया तो आप समझ जाते हैं कि कौन सा भाई, कौन सा स्टॉक लेने लायक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्यों ले लिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे इसलिए ले लिए, इस पॉइंट पे क्यों ले लिए, क्योंकि ये इस जगह का है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा करता हूँ फ्रेंड्स। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक